नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। इसके साथ ही पूरे उत्तर दिनाजपुर जिले में भाजपा की ओर से इस दिन को आत्म बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया गया। आपको बता दें कि बंगला माध्यम के विद्यालय दाड़ीभीत हाईस्कूल में उर्दू शिक्षक के नियुक्ति के विरोध में छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर पुलिस ने गोली चलाई थी। आरोप है कि पुलिस की गोली से राजेश सरकार व तापस बर्मन की मौत हो गई। उस घटना के खिलाफ EVP द्वारा तीव्र विरोध किया गया था। मृतक छात्रों के परिजनों ने इस मामले में न्याय पाने के लिए CBI जांच की मांग की थी और वर्तमान में भी कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार अपने स्तर से जांच करने की बात कर रही है। हालांकि गोलीकांड के 2 साल बाद भी राज्य सरकार जांच कर रही है। EVP पूरे राज्य में 20 सितंबर को बंगला मातृभाषा दिवस के रूप में मनाती है। आज भाजपा की ओर से उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा प्रतिवाद और स्मरण सभा सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आज के हमारे सारा जिला व्यापी हमरा जानी जे राजेश तापस दाड़ीभीटे बांगला भाषा आंदोलन जन्नो तारा वीरगति प्राप्ति हुए चिलेन आरे वीरगति प्राप्ति हार पिछने उनादेर दाबी चिलो जे हमरा उर्दू चाइना हमारे एलाकाते हमरा बांगला भाषाते पढ़ाशुना करते चाई আর বাংলা ভাষার জন্য ওনারা আন্দোলন করেছিলেন ওখানকার ছাত্র সমাজ। আর সেই সময় আমাদের রাজ্যের পুলিশ বাহিনী সে রাজেশ তাপসকে গুলি করে হত্যা করেন। আর সেই রাজেশ তাপসের আজকে সেই বলিদান দিবস, মৃত্যুঞ্জয় বীর। আর তারা যে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন তো ভাষাবীর, আর তাদের শহীদ স্মরণে আজকে আমরা এখানে ভাষা দিবস উপলক্ষে এবং রাজেশ তাপসের উপরে শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং স্মরণ সভা করার জন্য জেলা পার্টি অফিসে এবং সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে আর তার সাথে সাথে দাড়িভিট যেখানে রাজেশ তাপসের জন্মভূমি আর সেখানেও আমরা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের স্মরণ সভা আমরা অনুষ্ঠিত করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিদি, উনি তো পুত্র সন্তান ওনার নেই, নিঃসন্তান। তো ওনার কোনো সন্তান নেই বলে উনি এক সন্তান হারা মায়ের দুঃখ দরদ উনি বুঝতে পারেননি। আর তার জন্যই আর সেই সন্তান হারার মায়ের দুঃখকে দূর করার জন্য উনি CBI তদন্তের নির্দেশ জারি করেননি। উনি কী করলেন, আর ওখানে CID তদন্তের ভার দিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে CID তদন্তের ভার দেওয়ার পরে আজ পর্যন্ত রাজেশ তাপসকে যারা গুলি করে মারলেন তারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হলেন না, তাদের কোনো সাজা হলেন না। আর তদন্তকারী দল CID এখনও পর্যন্ত তাদের হত্যাকারীকে চিহ্নিতকরণ করতে পারলেন না। কারণ হচ্ছে যে দিদি তো আসল মায়ের চোখের জলের দুঃখটা বুঝতে পারেননি, তাই আর সন্তান হারা মায়ের কথা উনি না চিন্তা করে CID তদন্তে ভার দিয়েছিলেন। তার জন্য আজ পর্যন্ত সেখানে সঠিক তদন্ত হয়নি। दाड़ीभीट कांड की दूसरी बरसी पर शहीद राजेश सरकार व तपस बर्मन को किया गया याद। पूरे जिले में इस दिन को किया गया आत्म बलिदान दिवस के रूप में पालित। उत्तर दिनाजपुर जिले के दाड़ीभीत हाईस्कूल में 2 वर्ष पहले हुई छात्रा आंदोलन व गोलीकांड में मारे गए छात्रों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद EBVP की ओर से आज इस्लामपुर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। EBVP की ओर से एक रैली भी निकाली गई। भाजपा ACC मोर्चा सभापति दुलाल शाह सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। कोनो जायगा यदि तदंते आसे ताले राज्य सरकार अनुमति लागे। মমতা ব্যানার্জি কোনো মতেই, যে মমতা ব্যানার্জি 11 সালের আগে একটা কুকুর মরলেও CBI চাইতো, আর আজকে তাপস রাজেশের মতন জল জানত দুটো তপশিলি ঘরের ছেলে তারা আজকে মরে গেল। আজকে উনি জানি না কোন অদৃশ্য কারণে সেই তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলেন, এবং তিনি আজকে কেন CBI কে এখানে তদন্ত করতে বাধা দিচ্ছেন এটা আমি বুঝতে পারছি না। আজকেই পুতো পবিত্র দিনে আমি এটুকুই বলতে চাই, একজন মহিলা তারা নাকি মায়ের জাত, তাহলে মমতা ব্যানার্জি মায়ের জাত, তাপস রাজেশের মায়ের বুকের আজকে পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে তাদের শোকে। সুতরাং আমি চাই মমতা ব্যানার্জি যদি সৎ সাহস থাকে অবিলম্বে তাপস এবং রাজেশের মায়ের দাবি মেনে এখানে CBI তদন্তের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে সুপারিশ করুক। डेंगू के विरुद्ध दालकोला में चलाया गया सफाई अभियान, लोगों को किया गया जागरूक। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू का भी कहर बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा डेंगू के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत आज उत्तर दिनाजपुर के जिले के
इसके तहत आज उत्तर दिनाजपुर जिले के दालकोला नगर पालिका के द्वारा डेंगू को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को डेंगू के प्रति सचेत किया गया और उनको कहा गया कि वे अपने घरों तथा घरों के आसपास में गंदे पानी को जमा ना होने दें। इसके साथ ही नगर पालिका के प्रशासक सुभाष गोस्वामी के नेतृत्व में प्रत्येक वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस संबंध में सुभाष गोस्वामी ने कहा कि दालकोला नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक दिन प्रत्येक वार्ड में सफाई की जाती है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा 20 सितंबर की डेंगू विजय अभियान के रूप में पारित किया जा रहा है और यही कारण है कि एक बार फिर से सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज के होचे डेंगू विजय अभियान सारा पश्चिम बांगल् चलते प्रोग्राम क्या शुरू कर डेंगू आज के 20 तारीख डेट फिक्स कर दिए कलकता दफ्तर थे যে ডেঙ্গু অভিযান করতে হবে, কারণ ডেঙ্গুর মাস চলছে। এই ডেঙ্গুর মাসে কেউ যেন ডেঙ্গু দ্বারা এমনিতেও কোভিডের আক্রান্ত হচ্ছে লোক, তার মধ্যে ডেঙ্গু হলে আরও কঠিন অবস্থা দাঁড়াবে। সেই জন্যই আমাদেরকে অর্ডার করেছে যে 20 তারিখ সবাই মিলে ডেঙ্গু অভিযান করুন। আমরাও সেই ডেঙ্গু অভিযানে নেমেছি। আমাদের সাথে আছে আমাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা চেয়ারপারসন রহমত আলী সাহেব এবং আমরা সবাই মিলে আজ প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে স্প্রে করছি, ফগিং করছি এবং নোংরা উঠানোর ব্যবস্থা করছি, ব্লিচিং করছি এবং ড্রেনে ড্রেনে স্প্রে করে সেই ডেঙ্গু মশার লার্ভাগুলো মারার ব্যবস্থা করেছি। এগুলো আজকে করছি এবং আজকে সারাদিন চলবে, আগামী দিনেও এগুলো চলবে। আমরা এটা এখন বন্ধ করব না, সরকার বলেছে আজকে স্পেশাল ডে হিসেবে, কিন্তু আমরা রেগুলার এটা করবো, কারণ সামনে পুজো আছে এবং রোদ পড়ছে, এতে ডেঙ্গুর মশার জন্ম বেশি হবে। সেজন্যই আমরা लाखों रुपए के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार, ब्राउन शुगर मापने के यंत्र, मोबाइल व नंबर वाहिन मोटरसाइकिल जब्त। मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ा है आरोपी। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमदाबाद थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को आज रायगंज अदालत में पेश कर उसे रिमांड में लेने की मांग की है। रायगंज के एसपी यशप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम नजीमुद्दीन है। वह हेमदाबाद ब्लॉक के बंगलाबाड़ी के बालूफारा इलाके का रहने वाला है। शनिवार रात लकीडंगा मोड़ इलाके से 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उसके पास से ब्राउन शुगर मापने के यंत्र, मोबाइल फोन व एक नंबर विहीन मोटरसाइकिल जब्त की गई है। एएसपी ने बताया कि जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य लाखों रुपए आंके गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी इलाके में ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़ा है। मालदा शहर के विभिन्न इलाके से वो ब्राउन शुगर खरीदता था और उसे अलग अलग जगह पर बेचा करता था। उन्होंने बताया कि कारोबार के साथ साथ और कौन कौन जुड़ा है, इसकी जानकारी के लिए आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। পুরোটা কাল কে 8টা সময় একটা ইনফরমেশন আমরা পেয়েছিল কে একজন মতলব একটা হিরোইন কিছু এক্সচেঞ্জ হবে কালিয়াগঞ্জ থেকে। আপনার একটা এরিয়া আছে বালুফাড়া, ওদিকে কেউ যেন আসছে আর কিছু প্ল্যান আছে এইরকম হিরোইন বিক্রির জন্য। তাহলে পুলিশ টিম ওখানে গিয়ে ইন্টারসেপ্ট করেছিল অ্যারাউন্ড 11টার সময়, আর তিনজন ওখানে ছিল, দুজন পালিয়ে গেছে, একজনকে ধরা হয়েছে, ওর সঙ্গে 50 গ্রাম হিরোইন বরামদ হয়েছে আর একটা নতুন মোটরসাইকেল উইদাউট নাম্বার প্লেট। আর এখন ওকে আমরা ফরওয়ার্ড করছি 5 দিন জন্য রিমান্ড জন্য, আর আগে তদন্ত যা আছে ও হবে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा से खुश 2000 पुरोहित रायगंज में तृणमूल कांग्रेस में शामिल। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य के पुरोहितों को ₹1000 भत्ता और बंगाल आवास योजना के तहत घर निर्माण किया जाएगा। इसके बाद राज्यभर में पुरोहितों में काफी खुशी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा से खुश होकर रायगंज में करीब 2000 पुरोहित तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। रायगंज विधानसभा कोऑर्डिनेटर तथा जिला INTTU सभापति और अरिंदम सरकार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए सभी पुरोहितों को पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। दरअसल INTTUC की तरफ से एक नया संगठन बनाया गया है। INTTUC अनुमोदित संगठन का नाम उत्तर दिनाजपुर पुरोहित कल्याण समिति रखा गया है। इस समिति के सभापति रतन चक्रवर्ती, कार्यकारी सभापति स्वपन चक्रवर्ती, सचिव मृत्युंजय चैटर्जी को बनाया गया है। INTTUC के सभापति अरिंदम सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धर्म को लेकर राजनीति नहीं करती है, वह सभी धर्मों को सम्मान रूप से देखती है और सभी के लिए कार्य करती है। राज्य में मां माटी मानुष की सरकार है और जो सबको समान रूप से देखती है और सभी लोगों के समान रूप से काम करती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां घटिया राजनीति कर रही है। जलपाईगुड़ी में फिर से 4 लोग कोविड-19 से पाए गए संक्रमित।
जलपाईगुड़ी नगरपालिका प्रशासक मंडली के सदस्य नीपू शाह ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, इनमें से एक चिकित्सक और एक नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है। जिन वार्डों में लोग संक्रमित पाए गए उन सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही शाह ने बताया कि जलपाईगुड़ी के 1, 11, 17 और 18 नंबर वार्ड में लोग संक्रमित मिले और इन सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। आज के नतून करे एखन अब्दि आमादेर काछे 4 जनेर रिपोर्ट एसेछे, एखाने 11 नम्बरे एकजन, 1 नम्बरे एकजन, एकजन डाक्तारबाबू आछेन आर एकजन नार्स। তো আমরা প্রত্যেক জায়গায় স্যানিটাইজ করে কন্টেনমেন্ট জোন করে দেওয়া হয়েছে। আর পরে রিপোর্ট আসবে। কাজটা কোথা কাজ এটা? গতকাল আমাদের কাছে যা রিপোর্ট আসছিল 3 জনের, তার মধ্যে 17 নম্বর ওয়ার্ড আর 19 নম্বর ওয়ার্ড আর আপনার 7 নম্বর ওয়ার্ড, তিনটা কন্টেনমেন্ট যেহেতু বেলা করে আমাদের কাছে রিপোর্ট, এগুলোও আমরা আজকে কন্টেনমেন্ট জোন করে দিচ্ছি। গতকালে 3 জন আর আজকে 4 জন, 7 জন। भारत में कोरोना वायरस के मामले पहुंचे 54 लाख के पार। अब तक 86,752 मरीजों ने गवाई अपनी जान। भारत में पिछले 24 घंटे में 92,605 नए मामले सामने आए और 1,133 लोगों की मौतों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच चुका है। भारत में कुल 54,620 मामले हैं, 10,10,824 सक्रिय मामले हैं, 43,03,044 लोग ठीक हो चुके हैं और 86,752 मौतें शामिल है। देश में कोरोना वायरस के लिए 19 सितंबर तक 6,36,61,060 सैंपल्स का टेस्ट किया गया। इनमें कल 12,06,806 सैंपलों का टेस्ट किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि कोरोना रोगियों के ठीक होने वाले मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ भारत में कोरोना से ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक हो गई है। देश में अब तक 42,08,431 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 41,92,774 है। भारत में दुनिया भर में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों के करीब 19% संख्या है। कोरोना वायरस दुनिया में अब तक 9,60,705 लोगों को बना चुका है अपना शिकार। 2,25,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.09 करोड़ से ज्यादा हो गया है। शनिवार को 2,13,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,25,67,918 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 9,60,705 मौतें हो चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक है। फ्रांस में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों सरकार के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई। एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के संभवत प्रतिबंधों का विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को फ्रांस में 13,498 नए मामले सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति पिछले हफ्ते कह चुके हैं कि लॉकडाउन या इस जैसे दूसरे प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन हालात को देखते हुए हमें प्रतिबंधों पर विचार करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प फिलहाल नहीं है। वैक्सीन का इंतजार लंबा हो सकता है। अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो यहां फौरन सभी को नहीं लगाई जा सकेगी। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटी भाजपा। राज्य में 20 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यकों को विशेष टारगेट कर रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पूरे राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सदस्यता बनाए जाने के अभियान पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य पूरे राज्य में 20 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सदस्य बनाना है। अलीपुरद्वार जिले में 15,000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भाजपा की सदस्यता बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला भाजपा की ओर से मिशन पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत अलीपुरद्वार भाजपा जिला कार्यालय में जिले के विभिन्न प्रांतों के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अलीपुरद्वार जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहनवाज अली के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आने वाले दिनों में भारी संख्या में भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में परिवर्तन की मांग उठ रही है। वर्तमान में बंगाल में हिंसा व आतंक का शासन कायम है। लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इसका संकेत मिल चुका है। उन्होंने कहा, पिछले लोकसभा चुनाव में अलीपुरद्वार सीट से भाजपा प्रत्याशी जॉन बारला भारी मतों से विजय हुए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फालाकाटा विधानसभा चुनाव हुआ 2021 में राज्य विधानसभा चुनाव में इस जिले से भाजपा काफी अच्छा परिणाम करेगी। जिले में सभी स्थानों में
कमल खिलेगा और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गत बछरे आलिपुर दुआरे 7000 मेम्बर करेछिलाम, सेई मेम्बरशिप बेड़े एबार 15000 टार्गेट नियेछि। 15000 मेम्बरशिप, प्राइमरि मेम्बरशिप आमरा करब आलिपुर दुआर लोकसभार अधीने, सेखाने तूफानगंज आसबे, नागराकाटाओ आसबे, और बाकी जे रयेछे कालचिनी, आमादेर फालाघाटा, मादारीहाट, बीरपाड़ा, कुमारग्राम दुआर एबं आलिपुर दुआर सब मिले 15000। কতটা সাড়া পাচ্ছেন মানুষের? সাড়া ব্যাপক রয়েছে, কারণ পার্টি ইতিমধ্যেই 5 লক্ষ প্রাইমারি মেম্বারশিপের টার্গেট রেখেছে আলিপুরদুয়ার জেলা। সেই জন্য আমরা বলতে যাচ্ছি যে ব্যাপক সাড়া, সংখ্যালঘু ভাইদের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন। মাইনরিটির ইতিহাসে আলিপুরদুয়ার প্রথম আজকে একটা সামান্য একটা বৈঠক ডাকা হয়েছে, অথচ দেখছেন আমরা হল ঘরে জায়গা দিতে পারছি না, প্রচুর সংখ্যালঘু ভাই বোনরা বাইরেও ওয়েট করছে। সেই জন্য আমরা বলতে যাচ্ছি সাড়া ব্যাপক, সংখ্যালঘু ভাইদের পরিবর্তন, মানসিকতা পরিবর্তন, স্বাভাবিক কারণে তৃণমূল সরকারেরও পরিবর্তন, এটাই একটা মানে ইঙ্গিত বহন করছে। ফালাকাটা আপনারা জানেন যে ওটা একটা সাধারণ সিট, আবার শিডিউল কাস্ট সিট বটে, কিন্তু সেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস সেখানটায় রয়েছে, চা বাগানও রয়েছে এবং সেখানে কৃষি এলাকাও রয়েছে, সংখ্যালঘু ভাইরাও রয়েছে, হিন্দু ভাইরাও রয়েছে। একটা বড় পার্সেন্টেজ ফালাকাটা বিধানসভায় মাইনরিটি ভোটার্স আছে, সেই মাইনরিটি ভোটার্সরা তারা এবার মোটামুটি এক জায়গায় ঐক্যমত হয়েছে। আমার সঙ্গে কথা হয় যে তারা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী যেই হোক তাকেই তারা সমর্থন করবে, এবং ফালাকাটায় আমরা যে লোকসভা ইলেকশনে লিড পেয়েছি তার থেকে ডাবল লিডে উপর নির্বাচন জিতব, আমরা সেই প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছি। जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर दूरगामी गाड़ियों का स्टॉपेज खत्म नहीं करने की मांग में ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से जलपाईगुड़ी में किया गया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेता और संगठन के सदस्यों ने आज जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल इन नेताओं का कहना है कि जलपाईगुड़ी स्टेशन के दूरगामी गाड़ियों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया है। अब दार्जिलिंग मेल और तेस्ता तोरसा एक्सप्रेस का स्टॉपेज बंद करने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उनकी मांग है कि दूरगामी गाड़ियों का स्टॉपेज यहां पर बंद न किया जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों को इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल ब्लॉक कमेटी के चेयरमैन सोमनाथ पाल, कार्यकारी सभापति पल्लव दास, टीएमसी नेता तपन बैनर्जी, पीके वर्मा सहित अन्य नेता और कर्मी उपस्थित थे। পদাতিক এক্সপ্রেসকে আক্রান্ত করা হচ্ছে, পদাতিক এক্সপ্রেসকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য এবং জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে স্টপেজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। দার্জিলিং মেলের সুবিধা যেটা জলপাইগুড়ি শহরের মানুষেরা পেতেন সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের যে তিনটি লিড ব্যাঙ্ক ছিল, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, সেই ব্যাঙ্কগুলিকে উঠিয়ে দিয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমফান যে জাতীয় বিপর্যয়, যে আমাদের 56,000 কোটি টাকা আমাদের ক্ষতি হয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো অর্থ বরাদ্দ করেনি, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। রেলকে বেসরকারিকরণ এবং প্রাইভেট রেল চালানোর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। সর্বোপরি আমাদের দলের, আমাদের জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যিনি বিধানসভার সদস্য আছেন, তিনি অদ্ভুতভাবে নিশ্চুপ এই সমস্ত চক্রান্তের বিরুদ্ধে। যিনি সংসদ সদস্য হয়েছেন, কিছুদিন আগে নির্বাচিত হয়েছেন, তাকে দেখা যাচ্ছে না জলপাইগুড়ি শহরে কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে। তিনি একবারও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাননি, জলপাইগুড়ির বিধায়ককে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষেরা দেখতে পান না। देश के 7 राज्यों में नहीं थम रहा है कोरोना वायरस का कहर, मुख्यमंत्री उसे खुद बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर काबू पाने में नाकाम राज्यों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। ऐसे 7 राज्यों से 23 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में जिन राज्यों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है उनके मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के अलावा दिल्ली भी शामिल है। यहाँ पर केसेस की रफ्तार कम नहीं हो रही है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिले सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जीन्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता, विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान, तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे।
तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुके हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस वो बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने जीत के साथ की आईपीएल की शुरुआत। महेंद्र सिंह धोनी ने पहले मैच में बना डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड। लंबे समय से किया जा रहा इंतजार शनिवार 19 सितंबर को खत्म हो गया, जब इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट का आगाज शानदार रहा और पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार खेल दिखाते हुए माहौल सेट कर दिया। एक साल से भी ज्यादा के अंतराल के बाद मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी ने पहले मैच में टूर्नामेंट में जीत का शतक लगाकर रिकॉर्ड बना डाला। नए सीजन की शुरुआत चेन्नई ने अपने ही अंदाज में जीत के साथ ही की। कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने चौके के साथ पारी की शुरुआत की और क्विंटन डे कॉक ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। पीयूष चावला की फिरकी ने टॉप ऑर्डर की जोड़ी को तोड़ी और चेन्नई को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम करन ने डीकॉक को भी वापस भेज दिया। सौरभ तिवारी ने एक छोर पर थमे रहे, लेकिन दूसरी ओर से लगातार विकेट गिरते रहे। 9 विकेट पर मुंबई ने 162 रन बनाए, जबकि सीएसके के मध्यक्रम बल्लेबाज अंबाती रायडू और फाफ डू प्लेसिस ने अर्धशतकीय पारी के दम पर टीम ने आखिरी ओवर में जीत हासिल कर ली। एलएसी पर गत रोज जारी लद्दाख की ठंड में चीनी सैनिकों की हालत पस्त, सीना तान खड़े हैं भारतीय जवान। भारतीय सेना ने पेंगोंग इलाके में चीन से टकराव के बीच अपने तैनाती को मजबूत करा लिया है, लेकिन दोनों तरफ से जारी गतिरोध को टूटने के आसार नहीं है। पेंगोंग से लेकर रेजांगला तक के इलाकों में कम से कम 3 स्थानों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई है। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच 10 सितंबर में मॉस्को में बैठक हुई थी, जिसमें 5 बिंदुओं पर तनाव कम करने की सहमति बनी थी, लेकिन इसके बावजूद पिछले 9 दिनों में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत पर फैसला नहीं हो सका है। सेना के सूत्र के अनुसार इस पर चीन की तरफ से फैसला नहीं लिया जा रहा है, जबकि सेना पूरी तरह से वार्ता को लेकर तैयार है। दरअसल इसके पीछे चीनी सेना ये महसूस कर रही है कि अब भारतीय सेना ने पेंगोंग की चोटियों पर रणनीतिक पोजीशन हासिल कर ली है, इसके लिए वह बातचीत में चीनी सेना पर हावी होने की कोशिश कर सकती है। जबकि चीनी पक्ष अभी भी इस रुख पर कायम है कि भारतीय सेना भी पूरे फिंगर इलाके को खाली करे। सदन में भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि बिल ध्वनि मत से हुआ पास। संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। कृषि से जुड़े 3 विधायकों पर आज संसद की अंतिम मुहर लग गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि बिल ध्वनि मत से पास हो गया है। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो चुके हैं। बिल के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने वेल में उतरकर जोरदार हंगामा किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के सामने रूल बुक को भी फाड़ दिया। राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
बिहार तस्करी की जा रही 12 लाख विदेशी शराब को किया गया जब्त, दो गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी जिला आबकारी विभाग ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर असम से बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। आबकारी विभाग सूत्र के अनुसार तस्करों के पास से 15 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई। ये शराब आसाम से चोरी के रास्ते बिहार तस्करी की जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी राज्य सड़क पर मोहित नगर के रानीनगर इलाके में आबकारी विभाग ने बिहार जा रहे 10 चक्के एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान करीब 16,000 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई, जिसका बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। সেগুলো আপনার আসাম থেকে আমাদের জলপাইগুড়ি হয়ে আপনার বিহার ঢুকছিল, সেই অনুযায়ী আমরা যে খবরটা পাই এবং সেই অনুযায়ী আমরা একটা আমাদের ব্রেকিং করে একটা ওয়াচ ডিউটি করে এবং গাড়িটা আমরা আগে থেকে ইনফরমেশন পেয়েছিলাম, সেগুলো সেই অনুযায়ী আমরা রানীনগরের কাছে গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করি এবং সেখান থেকে প্রায় আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কিছু না হলো প্রায় 15,000-16,000 বোতল আপনার সিজ করা হয়েছে এবং সঙ্গে ড্রাইভার এবং খালাসি দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তাদের কাছে কোর্টে পাঠানো হলো, কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও চলছে যে এর সাথে আরও কারা কারা জড়িত আছে, তাদেরকে বেরিয়ে আনার চেষ্টা, তাদেরকে চেষ্টা করা হচ্ছে, তাদেরগুলো ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। গাড়িটা তো আপাতত সিজ করা হয়েছে, গাড়িটা আপাতত ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে আমাদের গাড়িটাকে সিজ করেই রাখা। মোটামুটি এর আনুমানিক মূল্য যদি আমরা ধরি, যেটা যে আর বোতলে এখন যে এমআরপি বা প্রিন্ট লেখা আছে তাতে আনুমানিক মূল্য মোটামুটি 9,15,000-10,15,000 কাছাকাছি হবে। इटहर में कर्ज नहीं देने पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। हमलावर को स्थानीय लोगों ने जमकर की पिटाई। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटहर थाना अंतर्गत शिवराम पल्ले इलाके में उस समय काफी उत्तेजना दिखा गया जब पता चला कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद अली खुर्शद नामक एक व्यक्ति ने ज्योतिष वर्मन नामक व्यक्ति के गले पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुर्शीद को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाद में घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खुर्शीद और बर्मन दोनों को रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद अली खुर्शीद ने कुछ दिनों पहले ज्योतिष बर्मन से 20,000 रुपये उधार लिए थे। बार बार मांगने पर भी वह नहीं दे रहा था। शुक्रवार रात को रुपये मांगने के लिए गया था और इस बीच दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसी दौरान खुर्शीद ने तेज धार हथियार से बर्मन के गले पर हमला कर दिया। পুলিশ পরে মামলে কি যাঁচ মেজুট গই হ্যায় যে আমি গোটাকে আমি আমার হপ্তাখানেক হলো আমি ওকে আমি ছেড়ে গেছি এটা অবধি, যে তুমি ওখানে গিয়ে থাকো, ও হসপিটালে ভর্তি ছিল, কিডনি দুটো ইনফেকশন আছে আর লিভারে ঘা হয়েছে। তো বউটা আর মালদা হসপিটালে ভর্তি ছিলাম 10 দিন নিয়ে, হপ্তাখানেক হলো মোটামুটি 8 দিন হলো এরকম ওকে আমি ছেড়ে গেছি এটা হারে, যে তুমি তোমার মামির বাড়ি থাকো, আমি পয়সা টাকা আমি লাগাবো, ওনার রেকর্ডটা আমি খেটে গোটে আমি পয়সা লাগাই দূর থেকে, আমি সব দিন আমি দিয়ে চালাই ওকে, আমি কেন বউ হলো তো আমাকে সব কিছু আমাকে ভার নিয়ে থাকতে হয়, আমার মাথায় একটা চিন্তা থাকে। সেই লোকটা আমার বউটাকে আমার ওর মাটি জমির কথা বলে উনি ওর কাজ টাজ করছেন, তার ভিতরে উনি টাকাও নিয়েছেন 20,000। আপনার থেকে টাকা নিয়েছিল? হ্যাঁ, মানে আমি দিয়েছি বউকে, বউ ওনাকে দিয়েছে কাজের জন্যে। এখন অবধি রেশন কার্ড এখন অবধি করতে দিয়েছে, 3 মাসের উপরে হয়ে গেল, কিছু বের হচ্ছে না ওগুলো, তো যাক ওগুলো সরকারি কাজ লেট হতে পারে। তো ওনাকে আমি বলছি যে আমার বউটার সঙ্গে আমি আসলাম তো আমার দেখা হচ্ছে না, আবার কলও তুলছে না, তো তো বউটা আমার কই? তো ওনাকে আমি সকালে সকালে আপনি ওকে ছুটি ছুটি মেরেছেন? হ্যাঁ, ওনাকে আমি বললাম সকালে যে 20,000 টাকা যা আজকে কি হলো, কি নিয়ে সমস্যা? রাতে আমি থাকলাম ওখানে, কিছু বললাম শান্তিভাবে বলবো, রাতে খুব মাল খেয়েছিল তো পরের দিন কিছু বললাম না, তো রাতে উনি আমাকেও জায়গা দিলেন, আমিও ওনার কাছে শান্তিভাবে থাকলাম, যে সকালে বলবো জায়গা কথাগুলো। সকালে আমি সকাল হতে আবার সকাল হওয়ার পর ওকে আমি ওনাকে বলছি যে টাকা আপনাকে 20,000 টাকা দেওয়া গেছে, আপনি তো কিছুই কাজ অতটা করেননি আর কিছু কাজ করছেন না, তো টাকাগুলো আমাকে দিন আর আমার বউ কই? ওকে আমি কল করছি, ওকে 3-4 দিন ধরে কল করছি, কল তুলে না, কিছু হয় না, কোথায় আমার বউ? ও আমাকে ধাক্কা থাপড় মেরেছে, টাকা চাইলাম তো কাছে, ধাক্কা মারলো স্যার আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমার কাছে অপারেশনের ওই একটা, ওখানে আমরা বুলবুলিতে কাজ করতাম, একটা সাড়ের একটা অপারেশন করেছিল। কেন্দ্র কি শ্রমিক বিরোধী নীতিও কে খিলাফ তৃণমূল কংগ্রেস কে শ্রমিক সংগঠন কা ধরনা প্রদর্শন। কেন্দ্র সরকার কি শ্রমিক বিরোধী নীতিও কে খিলাফ তৃণমূল কংগ্রেস কে শ্রমিক সংগঠন के सदस्यों ने शनिवार को धरना दिया।
जलपाईगुड़ी सेंट्रल वाटर कमीशन दफ्तर के सामने तृणमूल कांग्रेस का श्रमिक संगठन के सदस्यों ने धरना दिया। धरने पर बैठे तृणमूल नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन की आड़ में केंद्र सरकार रेल, कोयला, बैंक, बीमा समेत देश के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों को निजी हाथों में देना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर पेट्रोल व डीजल के दामों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही श्रम कानून में संशोधन कर काम की अवधि को बढ़ा दी गई है। अस्थायी कर्मियों को भी वर्ष में केवल 3 महीने काम दिया जा रहा है। इसके खिलाफ आज श्रमिकों को लेकर धरना दिया गया। श्रमिक नेता स्वपन सरकार के नेतृत्व में आज चले धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में श्रमिकों ने हिस्सा लिया था। सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार अविलंब श्रमिक विरोधी नीतियों की संशोधन नहीं करती है तो उनका आंदोलन लगातार चलेगा। 8 घंटा काज जगह 3 घंटा दिए काज करा केंद्र सरकार तार जे वेस्ट छिलो जेटा जेटा 15,000 টাকা वेस्ट छिलो সেখানে 3 ঘন্টা কাজ করলে আর 8 ঘন্টা কাজ করলে তার ওয়েস্টটা কমে যায় সেই পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে 5,000-6,000 টাকা সে পাচ্ছে মাসে। এই যে বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত এই বেকার করে দিচ্ছে, কর্মীদের সংকোচন করেছে, বেকার করে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই হচ্ছে আমাদের লড়াই, আইএনটিটিসির লড়াই। আইএনটিসি রাজপথে আছে, তৃণমূল কংগ্রেস রাজপথে আছে, এর বিরুদ্ধে মমতাজি লড়াই করছে। আমরা তার সহযোগী হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দপ্তরে যে নির্ধারিত 16-20 তারিখ যে আমাদের সঠিক নির্ধারিত যে প্রোগ্রাম রাজ্য থেকে দেওয়া হয়েছিল তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা সিডব্লিউসির গেটের সামনে অফিসের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করছি। আপনার নাম আর পরিচয়টা? স্বপন সরকার সভাপতি, ক্যাজুয়াল এন্ড কন্ট্রাক্ট লেবার ডেইলি রেজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, আইএনটিসি জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি। कूचबिहार में खुला आलू का सरकारी स्टॉल, 27 रुपए प्रति किलो बिक रहा है आलू। जिला प्रशासन के तत्वावधान में शनिवार से कूचबिहार के भवानीगंज बाजार में सुलभ मूल्यों में आलू बिक्री की स्टॉल लगाई गई है। कूचबिहार सदर महकुमा शासक संजय पाल खुद इस अवसर पर मौजूद थे। सरकारी स्टॉल में 27 रुपए प्रति किलो की दर से आलू बेची जा रही है। इसके साथ ही कूचबिहार 2 नंबर ब्लॉक के डोडिया हाट में भी सुलभ मूल्य में आलू बिक्री के लिए सरकारी स्टॉल लगाया गया है। सदर महकुमा शासक संजय पाल ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से शुरू की गई यह पहल रंग लाती है तो शहर के अन्य बाजारों में भी सुलभ मूल्यों में आलू की बिक्री केंद्र खोला जाएगा। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। गौरतलब है कि कल तक आलू बाजार में 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। कोरोना काल में आलू के बढ़ते दाम से आम लोग काफी हताश है। आज के हमारे इखाने व्यवसायी समिति सह जिला प्रशासन के उद्योगे আমরা এখানে একটা আলু ন্যায্য মূল্যে দোকান খোলার চেষ্টা করেছি, যদি এখানে নয় এবং আমাদের পুলিশ তো আমাদের সঙ্গে আছেন, যেখানে 27 টাকা মূল্যে আজকে আলু দিচ্ছি, সাধারণ আলু যেটা আছে আজকে এখানেও খোলা হলো, ডোডের হাটও খোলা হচ্ছে। এরপরে আমরা চেষ্টা করবো অন্যান্য বাজারে ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় অন্যান্য বাজারেও একটা করে এরকম দোকান খোলা। এটা একটা নিয়ন্ত্রণের পরোক্ষ উদ্যোগ, মানে যদি আমরা যখন যাচ্ছি তখন হয়তো লোকেরা নাম কমাচ্ছে বা এই করছে, তারপরে চলে আসার পর হয়তো এরকম হতে পারে, যখন একটা অল্টারনেটিভ থাকবে মানুষ অল্টারনেটিভ সত্যি খেয়ে চলে আসবে, সেক্ষেত্রে একটা পরোক্ষভাবে এটা একটা দাম নিয়ন্ত্রণ। কতটায় বিক্রি করা হবে আলু? আজকে 27 টাকা আছে। এখান থেকে যেটা হচ্ছে আমরা ডাইরেক্ট স্টোর থেকে নিয়ে এসে এখানে করাচ্ছি, মানে মাঝখানে যে পাইকারি সেবাটা থাকছে না, মানে সেই রেটটা সবসময় একটা মেনটেন থাকবে। আজকে বাস এতনা হি, তমাম বিশেষ খবরগুলো বনে রই আজকে লাইভ কে সাথ, আপনার সময় আপনি খবর, ধন্যবাদ।